मैं यूट्यूब फ़ैमिली के हाल चाल उम्मीद खैरियत से होंगे शुक्र अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल शाजिया खान वर्ल्ड पर तो अभी है साढ़े चार बजे का टाइम और मैं आई हूँ किचन में पहले मैंने प्याज काटी और प्याज काटने के बाद अभी मैं चढ़ा रही हूँ यहाँ पर मटन इस्टूव आज मैं बना रही हूँ स्टू तो इस्टूव में जो है ना प्याज ज़्यादा जाती है तो इस वजह से जो है ना पहले मैंने खूब सारी प्याज काट ली उसके बाद यहाँ पर मैंने अभी गोश्त को फ्राई कर रही हूँ और जो है ना मैं, मैं यहाँ पर अभी जो है ना शहरी के लिए और रात के खाने के लिए यहाँ पर स्टू मैंने चढ़ा दिया है उसके बाद मैं करूँगी अफतारी की तैयारी और किचन में आने के बाद जो है ना टाइम ऐसे जाता है पता ही नहीं चलता है और बस काम इतने होते हैं एक तो खाना सालन वगैरह बनाना उसके बाद रफ्तारी की तैयारी करना तो साथ साथ सब कुछ चल रहा होता है और बीच में जो है ना फिर असर की नमाज पढ़ना और टाइम ऐसा जाता है कि पता ही नहीं चलता है और आज तो इतना मतलब किचन में मुझे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि रोज़ा भी मेरा किचन में ही खुला तो जब ये कि समोसे में फ्राई कर रही थी उस टाइम रोज़ा खुल गया फिर जो है ना पहले हस्बैंड ने खोला आकर जल्दी से फिर मुझे कहा कि मैं फ्राई कर रहा रूँ आप चली जाओ जल्दी रोज़ा खोल लो तो उसके बाद जो है ना इतना ज़्यादा मतलब किचन में रोजे में जो है ना हम इतना कुछ पहले से तैयारी कर लेते हैं रमज़ान स्टार्ट होने से पहले लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वे रमज़ानों में जो है ना काम हमारा डबल हो जाता है किचन का काम जो होता है ना वो डबल हो जाता है तो यहाँ पर अभी बस ये मैंने ब्रेड पकोड़ा बनाए हैं ब्रेड पकोड़ा बना रही हूँ तो पहले भी मैंने ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी ये रेसिपी शेयर नहीं की आज मैंने जो है ना एक ब्रेड में से जो है ना चार पीस किए हैं और छोटा मतलब ब्रेड पकौड़ा बनाया और चिकन डाली है इसमें चिकन और आलू और जो है ना बीच में मैंने ग्रीन हरी वाली चटनी और लगा लगाकर फिर इसकी फिलिंग की है तो ये बहुत मजे के बने थे और ये मैंने किसी की रेसिपी देखी थी आ, सना ब्लॉग के नाम से उनका चैनल है उनकी मैंने ये रेसिपी देखी थी मुझे अच्छी लगी तो मैंने फिर से दोबारा से ट्राई Uh, किए ये और पहले भी बहुत मजे के बने थे अभी भी बहुत मजे के बने तो वैसे वा, प्याज वाले वा, आलू वाले, वाले वाले पकोड़े मैंने नहीं बनाए मैंने ये वाले ब्रेड पकोड़ा बनाया और साथ ही मैंने जो है ना ढेर सारे जो है ना समोसे बनाए चिकन के तो उसकी वजह से जो है ना किचन में मुझे आज जो है ना बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और फिर रोजा भी आपको पता है गर्मी भी जो है ना बहुत ज्यादा हो रही है अभी जो है ना अब रोज़ा मतलब ज़्यादा पता चलता है कि हाँ भाई वरना पहले शुरू के रोज़े बहुत अच्छे थे तो बिल्कुल भी रोजे का पता नहीं चल चल रहा था लेकिन अभी जो है ना जाहिर सी बात है पहले वाली जो शुरू में एनर्जी होती है वो भी हमारी मतलब डाउन हो जाती है एनर्जी रोज़े रख रख कर तो अब यह है कि रोज़ा जो है ना काफ़ी ज़्यादा अभी पता चल रहा है रोज़ा तो बस अल्लाहियाँ हिम्मत दे ताकत दे और सबको हम तो बस अल्लाह ताला हम सबकी टूटी फूटी बातों को कबूल फरमाए और अल्लाह पाक हमारी बातों को कबूल करे तो बस यहाँ पर अभी जो है ना मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ और यहीं जो है ना हमारा रोज़ा खुल चुका था तो यहाँ पर ये देखें जब से समोसे मैंने घर में बनाए ना मुझे बाहर के समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मेहनत होती है लेकिन घर के समोसों की क्या ही बातें मज़ेदार गरम गरम तो यहाँ पर जो है ना बस अभी चलते हैं ईद की शॉपिंग आज से हमने स्टार्ट कर दी है लेट स्टार्ट की है और लेकिन चले जी स्टार्ट कर लिया आज से तो अभी चलते हैं मार्केट और लेते हैं कपड़े तो यहाँ पर जो है ना ये छोटा बेटा है मेरा ये अपने टीचर से जो है ना बात करके ऊपर आ रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई तो बच्चे व्लॉग में जो है ना आते ही नहीं है सिवाय मरियम के मरियम आपको मेरी हर वीडियो में मिलेगी हर व्लॉग में मिलेगी मरियम जो है ना आ जाती है और बाकी बच्चे नहीं आते व्लॉग में तो बस अभी चलते हैं रक्षा वाला हमारे बराबर में ही है तो उसे जो है ना ये रक्षे वाले भाई को जो है ना हम लोग कहीं भी जाना होता है ना हम इसके रक्षे में ही जाते हैं इनके और ये सब जगह हमारे साथ साथ हमें तो जो है ना घुमाते फिराते जहाँ हमने जिस शॉप पे जानी होती है वेट भी कर लेता है और ये हमें जो है ना सब जगह लेकर भी चले जाते हैं देर भी हो जाती है तो ये है कि वेट कर लेते हैं और वापस लेकर भी आ जाते हैं तो इनसे हमें बड़ी सहूलत है तो यहां पर जो है ना अभी हम आ गए हैं अपनी शॉपिंग करने तो मैं आई हूँ पहले जे डॉट पे तो यहाँ से जो है ना अपना भी देखूंगी और पलवशा का भी देखना है मरियम का भी देखना है कपड़े तो फिर देखते हैं हमने हमें क्या पसंद आता है हम क्या लेते हैं और ये है एक दिन पहले का मतलब ब्लॉग और वो इसमें कह रही हूँ दूसरे दिन तो कपड़े भाई बड़ी मुश्किलों से पसंद आए कपड़े पसंद ही नहीं आ रहे थे स्टिच में कपड़े जो है ना बहुत अच्छे थे जे डॉट पे भी और जलबरी पे भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे लेकिन अनस्टिच में जो है ना इतनी अच्छी वैरायटी नहीं थी मुझे या सब पसंद नहीं आ रहे थे तो बस एक माइंड दिमाग भी फ्रेश नहीं था तो बस मुझे ना रोजे के बाद आपको पता है बाजार निकलना बड़ी हिम्मत की बात है कहाँ हिम्मत होती है कि रोज़ा खोलने के बाद बंदा नमाज पढ़ता है और फिर मैं तो थोड़ी नींद लेती हूँ आराम करती हूँ उसके बाद बाकी के फिर उठकर अपने काम शुरू करती हूँ चाय पीना और जो दूसरे काम है तो अभी जो है ना बस मेरे को तो मेरा माइंड फ्रेश नहीं था मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैंने काफ़ी मतलब आउटलेट देखी ये मैं जलबरी पे आई थी जलबरी पे भी जो है ना कपड़े स्टिच जो है ना बहुत अच्छे थे अनस्टिच मुझे नहीं यहाँ भी नहीं अच्छे लगे तो मैं साथ साथ अपना भी देख रही थी और दोनों बच्चियों का भी देख रही थी तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग लेट हो गए थे बाजार में और अभी भी जो है ना हम यहाँ पर आए ओरिएंट और कह के ना ये भी हमारे यहाँ न्यू ओपन हुई है ओरिएंट तो यहाँ जो है ना मुझे एक सूट पसंद आया अपने लिए मैंने यहाँ से एक सूट लिया बाकी जो है ना फिर मरियम का हम लोगों ने जे डॉट से लिया एक हमने आइडिया से आइडिया से लिया यहाँ पर एक्सपो भी आए यहाँ पर भी मरियम का देखा हम लोगों ने लेकिन यहाँ भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया यहाँ तो मतलब वो वैरायटी थी नहीं ईद कलेक्शन जो होती है वो यहाँ नहीं थी यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल से जो है ना कपड़े थे तो मरियम ने दो तीन यहाँ पर ट्राई भी किए लेकिन जो है ना कुछ समझ में नहीं आया यहाँ भी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह के सिंपल यहाँ पर जो है ना कपड़े थे बिल्कुल तो भाई शॉपिंग करना इत की जो है ना मेरे लिए तो अब बहुत जो है ना मुश्किल हुई है आ, कपड़े समझ में ही नहीं आ रहे थे ना तो बस ये है कि मरियम का मैंने जे रोड के लिए मिल गया बहुत अच्छा मिला मरियम का सूट भी तो शॉपिंग जो है ना आपको बाद में एक साथ ही दिखाऊंगी और यहाँ पर जो है ना अभी बस मैं तो थक कर यहाँ चेयर पर बैठ गई थी एक्सपो पे और जो है ना मैंने दोनों बच्चियों को कहा कि आप भाई देख लो तो उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर बस हम लोगों ने शॉपिंग अपनी कर ली थी तो आधी ली कर की है शॉपिंग आधी कल इनशाला जाऊँगी तो फिर लेना है और कपड़े भी तो यहाँ पर बस अभी बच्चों को जो है ना इतना ज़्यादा हम घूमे थे उन्हें तो भूख लग गई थी यहाँ से हमने चिकन शोरमा लिया मोमोज़ ली और फिर गए घर और इसी के साथ दीजिए इजाज़त ईद की शॉपिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कंप्लीट होने के बाद करूँगी मरियम की बहुत सारी चीज़ें लेनी हैं तो चले जी यहीं पर मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़